हेलो एवरीवन। तो मैं सौरभ भिलवा, और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वर्ण व्यवस्था के बारे में देखने वाले थे, वर्ण सिस्टम। तो एंशियंट इंडिया का 12th क्लास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं 6th क्लास में भी इसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस किया भी होगा। तो अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बारे में। तो वर्ण व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ण व्यवस्था। और इस टॉपिक के अंदर से हम चीजें आगे लेकर जाएंगे। तो वर्ण व्यवस्था क्या होती है भाई? तो एंशियंट टाइम में आपने सुना होगा कि जो हमारे समाज था वो बहुत ज्यादा भागों में विभाजित था। तो जो हमारा समाज था वह बहुत ज्यादा भागों में विभाजित था, और जो हमारे एकदम प्राचीन ग्रंथ हैं जिनको हम वेदों के नाम से जानते हैं, तो वेद हमारे चार हुआ करते थे। तो वेद कितने होते थे? हमारे चार वेद हुआ करते थे। इन वेदों की संख्या चार थी, और इन वेद वैदिक काल, और जब ये वैदिक वेदों का जो समय चल रहा था, जब वेदों के अनुसार जब भारत भारत के अंदर ये संस्कृति चली, वेद लाइक एक संविधान की तरह थे, जो क्या है, कुछ साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ बन रहे हैं, साथ ही साथ लिखे जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको समाज में लागू भी किया जा रहा है। तो वेदों में जो नियम लिखे गए थे, उन्हीं नियमों को समाज के अंदर लागू किया गया। तो ये वेद हमारे पास चार थे, और जिसमें से जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसको बोलते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण वेद था हमारा, तो जिसके अंदर हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो कि हमको सबसे एंशियंट वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और इसके बारे में हमको देखने को जानकारी मिलती है कि जो जो ऋग्वेद है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वेद है, और सबसे पहली बार इसके अंदर हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। तो और फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था आपको दोबारा सारे बाकी के जो तीन वेदों हैं, तीनों वेदों में आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था होती है, सवाल ये है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या था? तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो वर्ण व्यवस्था हमारे पास जो समाज था उसको चार भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहले हमने रखा, पहले नंबर पर रखा, अगर हम बात करें पहले नंबर पर जो थे हमारे, वो थे ब्राह्मण हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर हमारे क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पर जो हुआ करते थे उनको हम वैश्य के नाम से बोलते हैं, और जो चौथे नंबर पर जो हुआ करते थे, चौथे नंबर पर कौन होते हैं? चौथे नंबर पर जिनको हम शूद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर जो होते थे हम उनको शूद्र के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और चौथे नंबर पर शूद्र हो गए। अब देखिए बात की जाए शुरुआत है कि इनकी शुरुआत कैसे होती है, और कैसे ओरिजिन हुआ, तो क्या थ्योरी है वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था की थ्योरी सबसे पहले हमको जो नजर आती है वो ऋग्वेद में नजर आती है, और थ्योरी ये है कि वर्ण व्यवस्था के अंदर ऋग्वेद में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि सभी लोगों का जो जन्म है वो ब्रह्मा से हुआ है। ब्रह्मा एक भगवान, और कहे जाते हैं कि भाई ब्रह्मांड के रचयिता है वो, और जितने भी लोग निकले सब सब वहीं से निकले। तो ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मणों ने सबसे पहले नंबर पर है, ब्रह्मा ब्राह्मण नाम भी मिलता है। तो अब देखो ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के सर से जिनका जन्म हुआ उनको ब्राह्मण बोला जाता है, और इनको पहले नंबर पर रखा गया, समाज के अंदर इनको पहला दर्जा दिया गया कि ये तो भाई प्रथम रहेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मा के सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ऊपर वाली जगह से निकले हैं तो उनको तो भाई पहले स्थान पर रखा जाएगा, और पवित्र भाग है भाई सर, और सर के अंदर आपको पता है मुख, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। सर में ही हमारी लगभग हमारी आंखें भी होती हैं, नाक भी होती है, और हमारे और मुंह भी होता है, और इवन मेन चीज हमारा माइंड वो सर में ही होता है। तो ब्राह्मण पहले नंबर पर रखा जाता है इनको, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ वो सबसे ऊपरी भाग में, वो सबसे पवित्र माने जाते हैं, तो समाज में सबसे ऊंचा दर्जा भी इनको प्राप्त था। तो फिर और इनको इनका जो कार्य बोला गया वो बोला कि भाई ये मंत्र पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे और यही पढ़ाएंगे, और मंत्र का उच्चारण इन्हीं को करेंगे, कोई और व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। पूजा पाठ दान लेना इनका कार्य बोला गया, और शिक्षा ग्रहण करना था, और यज्ञ करना, ये सारे इनके काम बताए गए। फिर उसके बाद जो आता है वो आते हैं क्षत्रिय हमारे, क्षत्रिय को बोला गया कि आपका जो जन्म हुआ है, जो आपका का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ? वो ब्रह्मा के शोल्डर से।
शोल्डर्स, शोल्डर्स आर द सिंबल ऑफ पावर। तो जो शोल्डर्स होते हैं वो शक्ति का रूप होते हैं, वो शक्ति को दिखाते हैं कि भाई अगर जिस व्यक्ति के शोल्डर काफी ज्यादा है, मतलब अच्छे खासे हैं, स्ट्रांग है, तो उसको भाई शोल्डर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भाई वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्षत्रिय को बोला कि आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं, आप बहुत ज्यादा मजबूत इसीलिए क्योंकि जो आपका जन्म है, आपकी उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो कहां से हुआ, ब्रह्मा के शोल्डर से हुआ है। तो भाई इनको बोला गया कि ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इनका जो काम होगा वह लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाना। तो अधिकतर अब देखो इन लोगों के साथ में क्या किया जाता है, इन लोगों को बनाते राजा, तो ये राजा की तरह काम कर रहे हैं, राजा की तरह शासन कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से इनका शासन वासन सब चल रहा है। फिर इसके बाद में आते हैं वैश्य, इनको समाज में तीसरा दर्जा प्राप्त है वैश्य को, और वैश्य को बोला गया कि जी अब देखो वैश्य, और पता क्या होता है, मैं अपना अपनी कंफ्यूजन बताता हूँ। जब मैं पता क्या, जब मैं अपना 12th क्लास में था तो मैं भी वैश्य के बारे में कुछ और ही सोचता था, है ना, और मुझे नहीं पता शायद आप भी क्या पता हो वही सोचते हो जो मैं सोचता था, आप भी अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्या सोचते थे आप, ठीक है। तो वैश्य के बारे में बात हो गई, तो वैश्य कौन, वैश्य तीसरे नंबर पर आते हैं, और जो वैश्य है इनकी जो सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये भाई ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जिनको व्यापार करने में मान्यता प्राप्त होती है, और अधिकतर आज भी ये लोग, जो भी लोग यहाँ से बिलोंग करते थे वह लोग आज भी व्यापार में व्यापार करते पाए जाते हैं, और जो सबसे सफल व्यापारियों में से वैश्य लोग आज भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो थ्योरी थी वो प्रूव करने वाले जो लोग है ना वो वैश्य ही है, क्षत्रिय और ब्राह्मण अब तो भाई चीजें बदल चुकी हैं, पर जो वैश्यों का है ना भाई, इन लोगों ने चीजें ना बरकरार रखी हैं कि जो भी भाई ऋग्वेद में बोला गया था वही चीज प्रूव करने में ना जो माहिर है वो वैश्य लोग हैं। तो इन लोगों को ध्यान रखिएगा कि भाई साहब ऋग्वेद की जो परंपरा है वो इन लोगों ने बरकरार रखी और बढ़िया चला रहे हैं। फिर बात करते हैं शूद्र की, तो शूद्र को बोला गया कि भाई जो आपका जो जन्म हुआ है, आपका जो आपकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्रह्मा के जांघ से, जांघ मतलब थाई से, ठीक है, थाई से इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा की थाई और ब्रह्मा के पेट से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये तीसरे नंबर शूद्र, ये दूसरे चौथे नंबर पर रहेंगे, और इनका जो काम हो, सॉरी वैश्य के बारे में बात कर रहा था कि जो वैश्य की जो उत्पत्ति है ओरिजिन है वो ब्रह्मा के पेट से और ब्रह्मा की थाई से तो हुई है, तो जिसके कारण इनको तीसरे नंबर पर रखा गया और चौथे नंबर पर शूद्र को रखा गया। और इनको काम बोला गया कि आप इस सिस्टम में, आप इस व्यवस्था में सबसे नीचे हो और आपका जो काम होगा वो ऊपर के तीनों वर्गों को सेवा उपलब्ध करवाना होगा। इट मींस दे वर द सर्विस प्रोवाइडर, ये सेवा उपलब्ध करवाते थे इन तीनों वर्णों के। तो ये तो भाई थ्योरी रही है। तो अब ये थ्योरी देखो, जो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो थ्योरी थी ये किसके ऊपर आधारित थी, यह कर्म के ऊपर आधारित थी, कर्म के ऊपर आधारित, कर्म आधारित थी। कर्म आधारित का मतलब क्या है पता है, देखिए कर्म आधारित का मतलब है यहाँ पर कि जो यह थ्योरी थी ये कर्म आधारित थी। कर्म आधारित थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी कि भाई साहब कि जो व्यक्ति जो काम करेगा इसमें से भाई ब्राह्मण, अगर पूजा पाठ कर रहा है तो व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति राजा है या सैनिक है तो क्षत्रिय हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वैश्य होगा, और अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा मोटा काम कर रहा है जो कि इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो शूद्र होगा। ये तो व्यवस्था चल रही थी भाई बढ़िया। अब देखो जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है। एक ही घर में आपको बहुत सारे लोग हमको देखने को मिल जाएंगे। ऋग वैदिक काल एक ऐसा काल था जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था कुछ कर्म आधारित के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अंदर ये फॉलो होता था कि जो एक ही फैमिली के अंदर चारों वर्ण के लोग हो सकते हैं एक फैमिली के अंदर, पर जैसे ही समय आगे बढ़ा ऋग वैदिक काल के बाद और बाकी काल आए तो उन समय के उस समय के अंदर ये जो वर्ण व्यवस्था को किसके अंदर ऊपर आधारित कर दिया गया, बाद में लेटर ये किसके ऊपर आधारित होगी, ये जन्म के ऊपर आधारित हो गई। जन्म के ऊपर आधारित हो गई। जन्म के ऊपर आधारित होने का मतलब बड़ा सिंपल सा था कि भाई ये जन्म आधारित है। जन्म आधारित क्यों है भाई, भाई ये जन्म आधारित होने के इसके पीछे का जो मेन कारण था वो ये था कि भाई ब्राह्मण का पुत्र अब ब्राह्मण ही बनेगा चाहे वह कार्य कुछ भी करे, अब कर्म की कोई बात ही नहीं रही है, कर्म चाहे कुछ भी करो पर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य होगा, और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। तो एक व्यवस्था में इस बदलाव देखने को मिला हमको, तो बोलेंगे भाई ये तो बदलाव थे, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी जो कि समय के साथ बदली भी है, उत्पत्ति कैसे हुई और किसको कौन से लोग क्या काम करते हैं, 12th क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। होपफुली उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आएगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।